पहले लेंगे हम एग्जाम्पल 23, जहाँ दोनों तरफ ही रूट है, नहीं वहाँ नीचे की साइड में रूट है और ऊपर एक फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको किस तरह से करेंगे। तो लिमिट एक्स रेस टू टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन रूट में एक्स माइनस रूट में टू। अब इस तरह से इसको किस तरह सॉल्व करना है, का मूल्य ज्ञात करो। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इस लिमिट की। तो लिमिट हमारा जो रूल नियम चलता रहा वो करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन चाहिए। एक्स क्यूब माइनस एट, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये हमको पहले सोचना है। तो देखो एक्स की क्यूब माइनस टू की क्यूब, आठ क्या होता है, टू का क्यूब करेंगे तो ही आठ आता है। हमको पहले ये क्यूब है तो यहाँ सोचने का कौन सी संख्या को क्यूब करें तो एट आए, तो हमको ये माइंड में तरुण बत्ती जलनी चाहिए कि ऐसी संख्या टू ही है जिसको हम उसका घन करें तो एट आता है। तो एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब हमको मिल गया। अब हमारा फंक्शन हमको यहाँ पे मिल गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है पता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा इसका सोल्यूशन जो होता है उसको हम यहाँ ट्राई करेंगे। तो x माइनस टू और इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x प्लस बी का स्क्वायर तो 2 2 4। तो ये हमको यहाँ पर पुट डाउन करना है। अब ये इसकी जगह पर मिल गया हमको x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब रूट एक्स माइनस रूट टू, अब नीचे वाले रूट को भी एक बार सॉल्व करने का ट्राई करें, माइनस है तो प्लस करेंगे और टू। अब उसका सॉल्यूशन करेंगे हम आगे, तो लिमिट एक्स रेस टू टू अब इसका सॉल्यूशन में वो का वही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं हो सकता ऊपर, क्योंकि ऊपर कोई भी रूट वाली संख्या नहीं है। लेकिन नीचे यहाँ इन दोनों को प्लस का माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स पूरा एक्स, टू और टू रूट में टू और रूट में टू पूरा टू, तो ये हमारा यहाँ कट हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट डाउन कर सकते टू की, तो टू का स्क्वायर टू फोर। अब ये हमारे पास पूरा एक ब्रैकेट में था और ये हमारे पास दूसरा है रूट में एक्स यानी कि टू प्लस रूट में टू, टू टू ज़ा फोर प्लस टू टू ज़ा फोर प्लस फोर और यहाँ पर टू रूट में टू, फोर और फोर एट और फोर सिक्सटीन ट्वेल्व। तो ट्वेल्व इंटू टू रूट में टू, तो ट्वेल्व टू ज़ा 24 रूट में टू। इस तरह से ये सॉल्यूशन एकदम इजीली हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है, ये हमको एकदम ध्यान रखना है और एक एक करके एक एक करके एक एक करके सॉल्व करना है। फिर जो भी वैल्यूज़ आ जाए, अगर एक बार कट हो गया तो वैल्यूज़ हम पुट डाउन कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि नीचे हमको कुछ बचा ही नहीं था, एक बचा था उसको लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो इस तरह से हमको ये सॉल्यूशन करने हैं। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 24 की तरफ। वो एक रूट वाला एक और है हमारे पास यहीं पर, लिमिट एक्स रेस टू वन और एक्स प्लस थ्री का रूट माइनस टू अपॉन एक्स प्लस एट माइनस थ्री। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, दोनों साइड यहाँ पर क्या है रूट है, तो रूट दोनों साइड हो तो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इंटू, हम पहले ऊपर वाले को यहाँ पर दोनों साइड करेंगे, एक्स प्लस थ्री माइनस की जगह प्लस लगाएंगे, एक्स प्लस थ्री प्लस टू फिर से मल्टीप्लाई। अब नीचे वाले को भी हम सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस एट माइनस थ्री, एक्स प्लस एट माइनस थ्री, लिमिट
एक्स रेज टू वन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पूरा का पूरा रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री टू टू ज़ा फोर, क्योंकि उसके ऊपर रूट नहीं है। और बाकी जो हमारे पास ब्रैकेट में ये एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब नीचे ये और ये दोनों सेम है, देखो यहाँ साइन चेंज करना बाकी रह गया, ये भी हमारे पास प्लस होगा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एट थ्री थ्री ज़ा नाइन, एक्स प्लस थ्री प्लस टू, लिमिट एक्स रेज टू वन। अब इसको सॉल्व किया हमने, एक्स थ्री में से फोर गया तो माइनस का वन आया, यह हमारे पास बचा एक्स प्लस एट माइनस थ्री। अब एक्स एट माइनस नाइन तो वन, अब इसका अभी हम जैसे जैसे रख देंगे क्योंकि कोई सॉल्यूशन हमारे पास अभी है नहीं। अब सॉल्यूशन ये तो कट हो गया, तो वैल्यू पुट डाउन करने हैं। अब देखो बोलोगे ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है फिर भी आगे डायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अब सॉल्यूशन हो सके ऐसा रूट है। तो वन प्लस एट उसका हम रूट माइनस थ्री, वन प्लस थ्री उसका रूट प्लस टू। तो वन प्लस एट कितना होता है नाइन, नाइन का रूट माइनस थ्री फोर, सॉरी प्लस है ये प्लस थ्री रहेगा, ओके थ्री प्लस वन फोर, फोर का रूट प्लस टू, नाइन का रूट होगा थ्री प्लस थ्री, फोर का रूट होगा टू प्लस टू, लास्ट में है हमारे पास। तो थ्री और थ्री सिक्स और टू और टू फोर। अगर इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हमको होती है तो करते थ्री बाय टू, टू थ्री जा सिक्स और टू टू जा फोर, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों साइड रूट हो तो भी हमने यहाँ पर देखा, सिंगल साइड रूट वाला भी हमने किया, ऊपर वाला भी देखा है। तो हर तरह के हमने अपने रूट के सवाल कर लिया। अगर अब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। इस वीडियो में टोटली रूट वाले ही हमारे पास सम्स जो भी हैं, दूसरे कोई सम्स हमने इसमें लिए नहीं है, कि जिससे कि कंसेप्ट रूट का ही, स्क्वायर रूट का ही कंसेप्ट पैर है पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से।